हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जो भी वांट के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये SSC का ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि नई वेबसाइट है दोस्तों। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये SSC की ओल्ड वेबसाइट का यहाँ पर लिंक ऊपर में दिया हुआ है और ये नई वेबसाइट है जहाँ पर यहाँ पर दोस्तों सर्च का ऑप्शन है और रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पर ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का SSC का जो अपडेट है नया, उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे दोस्तों। बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप भी अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको कोई क्यूरी न रहे और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो न्यू कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, सबसे फर्स्ट में पर्सनल डिटेल आपको देना होगा, उसके बाद एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन और एड्रेस मांगेगा, उसके बाद डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपका बन जाएगा। ये चार स्टेप में आपको OTR रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए ये वाला वेबसाइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम शुरू कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ वीडियो के नीचे जब आएंगे तो ये कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करते के साथ कुछ आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसके अंदर चार स्टेप है वो आप ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के बाद आपका OTR हो जाएगा। इसके लिए कोई चार्ज यहाँ पर यह आपसे SSC नहीं ले रहा है दोस्तों। इसके अंदर देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है, OTR के अंदर आपका पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले पूछ रहा है कि डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस पर यस करेंगे वरना नो करेंगे। आधार कार्ड पर यस करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड का नंबर दीजिएगा, उसको दोबारा वेरीफाई कीजिएगा। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ये दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, जिसके अंदर आप ID चुनेंगे, आप या तो ड्राइविंग लाइसेंस या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, या फिर और प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आप चुन सकते हैं, या पैन कार्ड या पासबुक या कॉलेज ID या वोटर ID भी देखे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप दे देंगे दोस्तों, सिलेक्ट करेंगे, उसका आपका यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगेगा और उस यहाँ पर दोस्तों आप अपना नाम देंगे, जो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे या मार्कशीट पे है वो वाला नाम देंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ वाला ये जो ऑप्शन है आपका पूछ रहा है कि आपने नाम को कभी चेंज किया है, अगर किया तो यस करके आप वो चेंज जो किए हैं वो नाम वेरीफाई करेंगे, नहीं किया है तो नो पर ही सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, जेंडर को वेरीफाई करेंगे और डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ को इस यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर फादर्स नेम पूछ रहा है, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ मदर्स नेम और मदर्स नेम को वेरीफाई करना है, और 10th क्लास आपने जो पास किया दोस्तों उसका बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई करना है, और उसका रोल नंबर क्लास 10th का आपका रोल नंबर यहाँ पर पूछे जाए और रोल नंबर को वेरीफाई करना है। पासिंग ईयर को वेरीफाई कर लेना है दोस्तों, यानी कि सभी चीज़ को एक एक बार वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। आपने 12th कहाँ से पास किया है वो वेरीफाई करना है, या फिर 12th आपका यहाँ पर हायर एजुकेशन में क्या है सिलेक्ट करने को कह रहा है, कि आप या तो हायर सेकेंडरी देना चाहते हैं, डिप्लोमा है या PG है, PhD, जो भी आप हायर सेकेंडरी हायर एजुकेशन में देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चुन लें, और चुनेंगे उसके बाद यहाँ पर जो है आपका कैंडिडेट का मोबाइल नंबर मांग रहा है, जिस पर OTP जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ इंटर करना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी आपका यहाँ है, ईमेल आईडी के बाद OTP जाएगा उस पर भी, और वो सारी चीज़ फिल करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम ये सारी चीज़ आपको भर के बता देते हैं। दोस्तों मैंने सारा डिटेल जो है वो फिल कर दिया है, फिल करने के बाद यहाँ पर OTP वगैरह भी मैंने वैलिडेट कर लिया है, ये OTP दोनों मैंने वैलिडेट कर दिया है डाल के। डालने के बाद मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट जो है वो कर देता हूँ। सबमिट एंड सेव करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आ चुका है यहाँ पर, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन था आपका, जब आपने पर्सनल डिटेल सारा सेव कर दिया तो ये आपका सेकेंड है पासवर्ड क्रिएट करना। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से पासवर्ड क्रिएट करना होता है। यहाँ पर जब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो मेरा इस तरीके का कुछ आ जाता है, हेलो कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये आपका है डालने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये जो है आपका यहाँ पर वो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे आ चुका है, तो आप वहाँ से जाके आप इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल लीजिए। डालने के बाद आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक
अपने से फिर से दोबारा पासवर्ड बनाना होगा जो दोस्तों जो आपको खुद बनाना है। तो चलिए मैं इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप यहाँ पर डाल के ये जो आपका कैप्चा है आप वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आप यहाँ पर जो है वो साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे देखिए आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये ओल्ड पासवर्ड जो आपके फ़ोन में आया था वो डालिए, नया पासवर्ड आप यहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं। नया पासवर्ड आपको यहाँ बनाना है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद में यहाँ पर आप जो है वो एक क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे दोस्तों और उसका आंसर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका फिर आंसर आपको देना होगा। और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी आपको सिलेक्ट करना होगा और उसका आंसर आपको देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। ये पासवर्ड के अंदर देख लीजिए आपको किस तरीके का पासवर्ड यहाँ पर देना है। सपोज़ दैट आपका नाम है सोनू, तो आप क्या दे सकते हैं, SONU सोनू दे सकते हैं, @ दे सकते हैं, 1 2 3 4 यानी कि आप कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड जो है वो होना चाहिए। देख लीजिए आपका यहाँ पर कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। जैसे यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले आपका लेटर होना चाहिए, ठीक है, लोअर केस अपर केस। तो ये एस जो है आपको बड़ा में लिखना है यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना है, ये स्मॉल में लिख देना है, SONU@1234। तो ये क्या हो गया आपका, ये कैपिटल लेटर हो गया, ये सारे स्मॉल लेटर में हो गए, और ये आपका स्पेशल कैरेक्टर हो गया, और ये दोस्तों आपका यहाँ पर नंबर हो गया। तो ये आपने सारे टर्म्स और कंडीशन इसके फॉलो कर लिए। तो इस तरीके का पासवर्ड आपको यहाँ पर बना लेना है। चलिए हम बना लेते हैं। चलिए दोस्तों जो भी यहाँ पर क्वेश्चन और पूछा उसका आपने आंसर यहाँ पर दे दिया है, और उसके बाद ये जो है आप यहाँ पर इसको सेव एंड नेक्स्ट जो है कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपका कुछ इस तरीके से आता है, सक्सेसफुली सेव आ गया आपका। और आने सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका आ जाता है। फिर से लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और जो पासवर्ड आपने नया बनाया है उसको यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेंगे। और लास्ट में यहाँ पर एडिशनल डिटेल और आपका डिक्लेरेशन बच जाता है। चलिए डाल के लॉगिन कर लीजिए आप। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका ये जो है एडिशनल डिटेल के अंदर आपका सबसे पहले कैटेगरी को वेरीफाई करेंगे, और यहाँ पर नेशनलिटी उसे भी वेरीफाई करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर जो है आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कि शरीर के ऊपर कोई भी कटा छटा है, जला का निशान है, तिल का निशान है, वो आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद अगर आप डिसेबल कैंडिडेट है तो उसे यस करेंगे, और किस टाइप की है वो आप फिल करेंगे, नहीं है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परमानेंट एड्रेस आप यहां पर देंगे दोस्तों, और उसके बाद यहां पर प्रेजेंट एड्रेस दोनों में सेम है तो आप यस कर देंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। यहां पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। चलिए सारा चीज़ अब फिल कर लीजिए एक एक करके। यहां पर दोस्तों एड्रेस वगैरह मैंने फिल कर लिया है। फिल करने के बाद देखिए सारा मैं जो है वो अब सेव कर देता हूँ यहाँ पर। सेव करने में थोड़ा सा टाइम जो है लग सकता है क्योंकि अभी नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो सारे लोग एक साथ कर रहे हैं इकट्ठे, तो हो सकता है थोड़ा सा आपका सर्वर स्लो हो, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह देखा दोस्तों, एक दो जगह जब सेव करता हूं तो थोड़ा सा समय लेता है। तो आप वेट कर लेंगे, सेव आपका हो जाएगा। देखिए सेव हो रहा है और सक्सेसफुल हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डिक्लेरेशन जो है वो आ रहा है। देखिए आप जो है वो डिक्लेरेशन पर यहाँ पर एग्री कर देंगे, आई एग्री फॉर द एवव टर्म्स एंड कंडीशंस। ये दो आपका टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद आप इसे एग्री कर लेंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन कर लेंगे। आप चाहते हैं कि ओवरव्यू करें तो आप एक बार यहाँ पर ओवरव्यू कर सकते हैं। जो जो आपने यहाँ पर डिटेल जो है दिया है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, सारा चीज़ आपका यहाँ पर मिल जाएगा। अगर सही है सारा तो आप उसे कंफर्म कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका खुल के आ जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर एडमिट कार्ड और रिजल्ट वाला ऑप्शन आता है, और एग्जामिनेशन है, माय एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन हिस्ट्री है, ये सारा कुछ आता है। जब आप नेक्स्ट कभी भी फॉर्म अप्लाई करेंगे
तो ये साला एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आएगा और आपने कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई किया आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका यहाँ पर मिल जाएगा और रिजल्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसे चाहते हैं एडिट करना तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने मोबाइल फ़ोन से ही आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो सारा डिटेल में मैंने जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेटिव जॉब से रिलेटेड और फॉर्म वैकेंसी से रिलेटेड जो है वीडियो बनाकर अपलोड अपडेट करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।